हेलो फ्रेंड्स, किरण स्टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन को भी और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कुकीज़ डो। एक ऐसे तरीके से हम डो रेडी करेंगे कि एक ही डो से हम बहुत सारी वेराइटी के टेस्ट ले सकते हैं, बहुत सारे बिस्किट टाइप के बिस्किट्स बना सकते हैं। तो आइए हमने देखते हैं क्या लिया है। 1.5 कप मैदा, 3/4 कप चीनी पिसी हुई, 3/4 कप ऑयल या बटर, दूध, दूध हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, और जिससे हमने बिस्किट्स बनाने हैं जितने टाइप के वो हम अलग अलग चीज़ें लेंगे। जैसे मैंने लिए हैं ओट्स, एलमंड्स, मुसली, पीनट बटर, जीरा, साल्ट। आप जिस भी तरह के बिस्किट्स बनाना चाहते हैं वो अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हैं। आप इसमें चोको चिप्स ले सकते हैं, टूटी फ्रूटी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लेकर एक ही तरह का डो रेडी करके उसमें मिक्स कीजिए और बेक कीजिए, तो आपके डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट टेस्ट के बिस्किट जो है एक ही बार में रेडी हो सकते हैं। जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं तो उनमें से अलग अलग तरह का टेस्ट दोनों बच्चे पसंद करते हैं, तो उनको आप एक ही बार में अलग अलग टेस्ट के बिस्किट जो है बनाकर रख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं आप तरह तरह के बिस्किट एक बार में बनाकर। तो सबसे पहले हमने जो मैदा लिया है, मैदा और शुगर और 1 टीस्पून, 1.4 सवा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हमने मिक्स करना है ऑयल, ऑयल या बटर दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। जो हम इसका डो रेडी करेंगे फ्रेंड्स, यही एक चीज़ है, खास बात है इसमें, क्योंकि हम जो कुकीज़ के लिए डो बनाते हैं थोड़ा सा इस तरह का बनाते हैं कि उसमें हम अलग अलग चीज़ें नहीं मिला सकते हैं, एक ही चीज़ की तरह से बिस्किट हम बनाते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। इसमें जब हम ऑयल या मिक्स दूध मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा ढीला, यानी कि उसको हम इजीली मोल्ड कर सकें, इजीली हम उसको किसी भी शेप में किसी भी तरह से चीज़ किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर सकें। जैसे हमने ओट्स मिक्स करने हैं या मूसली मिक्स करनी है या कुछ भी मिक्स करना है, तो हम इसको थोड़ा सा इसमें ढीला बन रखते हैं ताकि इसको आसानी से हम बना सकें। जब हम ऑयल डाल लेंगे उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। आपको मैंने बताया कि ये आटे की तरह नहीं बनाना है हमने इसको, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह का डो हमने रेडी नहीं करना है, जस्ट थोड़ा ढीला रखना है। आप देख सकते हैं मैं कैसा बना रही हूँ, इस टाइप से आपने रखना है ताकि इजीली आप इसके अंदर कुछ भी मिक्स कर सकें। हम इसके कितने भी टाइप के बिस्किट आप बना सकते हैं, आप लाकर अपने घर में चीज़ें अलग अलग रख लें और उसके बाद एक तरह से डो रेडी कीजिए, और इसमें चीज़ कोई भी आपने टूटी फ्रूटी मिलाना है, चोको चिप्स मिलाने हैं या कोई और चीज़ है बच्चों को जो पसंद हो वो आप इसमें हाइड कर दें या वैसे ही मिक्स कर दें आप, तो उसको बेक करें। देखिए मैंने इसमें सबसे पहले ये एलमंड्स डाल लिए हैं, आप इसको 2 स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, इजीली हाथ से थोड़ा इजीली हो जाएगा, स्पून से करना चाहें तो स्पून से कर सकते हैं। इसमें आप शेप को ध्यान ना दें क्योंकि ये थोड़ा लूज़ है, बैटर हमने जो डो रेडी किया थोड़ा सा लूज़ है ये, तो इसकी शेप भी थोड़ी जब ये बेक होता है, गर्म होता है, हीट अप होता है, थोड़ा फैल जाता है, तो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी वो हो सकती है कि आपको लगेगा ये कैसी शेप हो गई है। अगर आप इसको प्रॉपर शेप का ही बनाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप सिलिकॉन के जो छोटे छोटे कप मिलते हैं मार्केट में वो यूज़ करें, उनमें आप इसको डालें तो वो एक ही शेप के सारे बन जाएंगे। ओट्स के बाद इसके बाद मैंने एलिमेंट्स के बाद ओट्स मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप ओट्स मिक्स कर लीजिए और इनको थोड़ा सा आप इस तरह से शेप देते हुए रख दीजिए। मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट होने के लिए स्टार्ट कर दिया है, 200 डिग्री पर हम उसको प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से हमने अभी छोटी छोटे लग रहे हैं शेप में, पर ये जब हीट अप होंगे तो थोड़ा फैल जाता है और उसके बाद उसकी थोड़ी शेप भी थोड़ी खराब डी शेप हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा इतना राउंड नहीं रहता है।
बट खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। आप बच्चों के लिए बनाकर एक बॉक्स में भरकर, एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख दीजिए, और जिसको जो पसंद हो वो उसको निकाल कर खा सकता है। आपको पसंद है आप अपने काजू काजू कुकीज़ बना सकते हैं, एलमंड्स के, बादाम के बना सकते हैं, कुछ भी आप इनमें डाल सकते हैं। बस आपके पास एक ये डो है ऐसा जिसमें आप कोई भी चीज़ मिक्स कर सकते हैं। आपको जीरा वाला टेस्ट पसंद है, साल्ट और जीरा हल्का सा, वो आप इसमें मिक्स कर लीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अब, तो जीरा और साल्टी जो होता है, जिस तरह से एक बिस्किट होता है जीरे वाला, हल्का सा वो मीठा और नमकीन होता है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। मैंने दो दो पीसेस बिस्किट के हर एक चीज़ के डाल लगा लिए हैं। दो में आलमंड डाला है, दो में ओट्स डाले हैं, दो में हमने ये कोकोनट लगा रहे हैं। इस तरह से आप सारे अलग अलग करके इनको आप रख सकते हैं। एक बार में ट्रे में जितने इजीली आ जाए उतने रखें, क्योंकि ये थोड़े से फैल जाएंगे। जैसे हम नान खताई बनाते हैं तो वो भी थोड़ी सी ऐसे फैल जाती है, उसकी भी शेप थोड़ी सी डी शेप हो जाती है, इसी तरह से ये भी आपके हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने जो पीनट बटर हमने लगाया है इसके अंदर, और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने एक दो एलमंड लगा दिए हैं। अगर आपके पास मूंगफली पड़ी हो घर में तो वो आप उसको बारीक थोड़ा काट कर तोड़कर भी लगा सकते हैं। ये मैंने जीरा और साल्ट थोड़ा सा जो मिक्स करके रखा है, तो आपके एक बार में इसमें ये 10 से 15 12 तक बिस्किट इसमें आएंगे ट्रे में हमारी, तो हम इसको इसी तरह से लगा देते हैं। अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स, अलग अलग टेस्ट के बिस्किट बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। नहीं तो आपको अलग, अगर आप एक कुकीज़ का जो प्रॉपर डो होता है वो थोड़ा आटे की तरह से हम लगाते हैं, जिस तरह हम रोटी के लिए बनाते हैं, लेकिन इसको हमने खास बात आपको ये इसमें करनी है कि थोड़ा इसको ढीला रखना है बनाते हुए, और उसके बाद इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेडी हैं हमारे जितने भी वैरायटी के हमने बनाने थे, हम ट्रे में जितने लगा सकते थे वो हमने लगा लिए हैं। अब हम इसको प्री हीटेड माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री पर मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया है, और इस पर हम 10 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। 10 मिनट में बहुत ही अच्छे कुकीज़ बेक हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़े से डार्क कलर के पसंद हो तो आप और थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 10 मिनट्स में ये लाइट जो है हल्के ब्राउन हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इनकी शेप, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये डी शेप हो गए हैं सारे, क्योंकि फैल जाता है, तो उस वजह से। अब इसके लिए अगर आपको प्रॉपर शेप रखनी है तो आप इसके लिए सिलिकॉन के कप यूज़ करें। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी वैरायटी ऑफ टेस्ट इन अ सिंगल डो ऑफ कुकीज़। एक डो में कई तरह के बिस्किट आपके तैयार हैं, बनाइए खाइए और सर्व कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।